Assalamualaikum viewers, welcome to ILMI Center for Competitive Exams. Political Science के lecture में आज हमने study करना है executive, second organ of government, इसको study करेंगे, ठीक? अभी जो तीनों organs हैं, legislature, executive, judiciary, इन पे मैंने अलग-अलग video बनाई है, आप इस channel की playlist पे जाएं, वहाँ पे आपको political science का folder मिलेगा, मेरे जितने भी lectures हैं, वहाँ पे मौजूद होंगे, इसके इलावा मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स भी डिलीवर करता हूं, पर वो मैं अपने जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डिलीवर करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक। आज ये स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एग्जेक्टिव, सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन एग्जेक्टिव, थर्ड ऑर्गन जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्गन्स को, इन तीनों ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स प्रोवाइड करता है, ठीक। कि लेजिस्लेचर की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, इसी तरह एग्जेक्टिव की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, इसी तरह जुडिशरी की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पावर्स, रिटन फॉर्म में उधर मौजूद होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, आप जरा बादशाहत का जो दौर था उसको अपने जहन में लाएं, जब मोनार्की थी, बादशाहत थी, तो मोनार्की के दौर में बादशाह, अकेला बंदा बादशाह, वो कानून भी बनाता था, उस कानून को लागू भी करता था और जुडिशरी का काम भी करता था, इंसाफ भी प्रोवाइड करता था, लोगों को सजा देनी हो तो सजा भी देता था। यानी एक बादशाह तीनों काम कर रहा है, लेजिस्लेचर का भी कर रहा है, लॉ बना रहा है, उन लॉज को फिर इन्फोर्स भी कर रहा है और जो इंसाफ का काम है वो भी कर रहा है, एक बादशाह। लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोग रेवोल्यूशन लाए, अपनी बादशाहत का जो निजाम था उसके अगेंस्ट जब रेवोल्यूशन लाए, तो ब्रिटेन में हमें सबसे पहले नजर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो क्वीन है ब्रिटेन की वो जस्ट एक नॉमिनल हेड है, ठीक। जो रियल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहा है, और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को अलग पावर्स दी हैं, एग्जेक्टिव को अलग दी हैं, जुडिशरी को अलग दी हैं, इन तीनों ब्रांचेस को, इन तीनों ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग कर दिया, समझे। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इमर्ज हुई, ये तीनों ऑर्गन्स डिवेलप्ड फॉर्म में हमारे सामने आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, यूरोप में, यूरोप में बादशाहत का निजाम था, लोगों ने रेवोल्यूशन लाया, बादशाहत का निजाम खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, और वो भी किस तरह आई कि भाई लेजिस्लेचर अलग, इसकी पावर्स हैं, अलग फंक्शंस हैं, एग्जेक्टिव की अलग पावर्स हैं, अलग फंक्शंस हैं, जुडिशरी अलग पावर्स, अलग फंक्शंस। ये तीनों लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ये बजाते खुद इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। अब समझ आई बात की? तो एग्जेक्टिव का आगाज भी वहीं से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आने से, ठीक। इसे सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, विच इंप्लीमेंट्स द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, वो जो भी लॉज बनाता है उन लॉज को एग्जेक्टिव इंप्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करता है कंट्री के अंदर, जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, एग्जेक्टिव उनको इन्फोर्स करता है, ठीक। एवरी स्टेट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव फॉर इंटरनल पीस ऑफ अ स्टेट एंड एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी। हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री को, हर स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव चाहिए,
ताकि लॉज को इंप्लीमेंट कर सके, फॉरेन रिलेशंस को स्टेब्लिश कर सके। ठीक, अब फॉरेन रिलेशंस को कैसे स्टेब्लिश करेगा वो हम आगे देखते हैं। यहां तक बात समझ आई, थोड़ा थोड़ा करके समझें। ठीक, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है एग्जेक्टिव की। कहते हैं कि एग्जेक्टिव के अंदर प्रेसिडेंट से लेकर पीएम तक ये सब आते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी आए जरा इसको मजीद स्पेसिफाई करते हैं। पुलिस आती है क्योंकि इन्फोर्स करती है लॉस को, एक्साइज आता है, हेल्थ आती है, एजुकेशन, इनकम टैक्स, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और जितने भी इन टोटलिटी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं किसी कंट्री के, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एग्जेक्टिव में आते हैं। क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे पुलिस, एक्साइज, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम टैक्स, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे मिलकर जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में जो लॉज पार्लियामेंट में बन रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना, एजुकेशन मिनिस्टर इंप्लीमेंट करेगा, जरूरी है। ठीक, अब समझ आई। अब फर्क कहां पे आता है एग्जेक्टिव के अंदर। ये तो सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो मैंने लिखे हैं, लेकिन हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आती हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है जिसकी बेस्ट एग्जांपल अमेरिका है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया। अब ये तो मैंने डिपार्टमेंट्स ऊपर आपको बताया इस लाइन से ऊपर, ये दोनों के अंदर होंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ये हो गए होंगे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ये सारे एग्जेक्टिव का हिस्सा हैं। लेकिन जो चीफ एग्जेक्टिव है, जो हेड है एग्जेक्टिव का, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका की एग्जाम्पल लें, प्रेसिडेंट चीफ एग्जेक्टिव है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जेक्टिव है और फिर उस प्रेसिडेंट की जो अपनी कैबिनेट है, उस कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें सेक्रेटरीज कहा जाता है और वो नॉन इलेक्टेड हैं, वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ने इन सेक्रेटरीज को खुद सिलेक्ट किया है, खुद अपॉइंट किया है अपनी कैबिनेट के अंदर। आप समझ आई बात की। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्लस उसकी जो कैबिनेट है, उसके जो सेक्रेटरीज हैं, वो एग्जेक्टिव के हेड्स हैं और उनमें लीडर कौन है, चीफ एग्जेक्टिव कौन है, प्रेसिडेंट है। अब जो ये सेक्रेटरीज हैं, अब ये पुलिस, एक्साइज, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम टैक्स हो गया, जितने भी हैं ये ब्यूरोक्रेसी और इधर उधर, इन सब में सेक्रेटरीज उन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और इन सेक्रेटरीज का हेड प्रेसिडेंट है। ठीक, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सेटअप है। ये डिपार्टमेंट्स तो दोनों में हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी है, फर्क सिर्फ उनकी लीडरशिप में आ रहा है, एग्जेक्टिव की लीडरशिप में। यहां पे प्रेसिडेंट और जो उसके कैबिनेट के सेक्रेटरीज हैं वो हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क, ब्रिटेन की एग्जांपल लें, क्वीन क्या है, नॉमिनल एग्जेक्टिव है, राइटिंग में उसके पास पावर्स हैं, उसको एग्जेक्टिव कहा जाता है, लेकिन इन प्रैक्टिस प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में चीफ एग्जेक्टिव है। आगे देखें, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, इंडिया की एग्जाम्पल लें, हमारे यहां पे तो मोनार्क नहीं है, प्रेसिडेंट होता है, तो हमारे यहां पे प्रेसिडेंट भी नॉमिनल है, बराए नाम है, बराए नाम एग्जेक्टिव है, असल पावर्स, असल चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, ये एंड पे मैंने मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स, और ये मिनिस्टर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक, अब समझे,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर मोनार्क होगा। अगर ब्रिटेन की एग्जांपल लें, पाकिस्तान इंडिया की लें, तो प्रेसिडेंट होगा लेकिन नॉमिनल होगा, बराए नाम। असल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होगी जिसकी हेल्प से वो इस पूरे प्रोसेस को चला रहा है, और उस कैबिनेट के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब समझ आई कंसेप्ट की? ठीक। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लें, दोनों के अंदर ये डिपार्टमेंट्स तो सारे होते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सब कुछ आता है, बस सिर्फ उनके जो लीडरशिप है उसमें फर्क आ रहा है। ठीक। अब आए आगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वही बातें हैं, जस्ट ये हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना, सेम बातें हैं, बस मैंने सिर्फ इनको अलग अलग हेडिंग्स में लिखा है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टाइप, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं जो बराए नाम हो, थ्योरी में उसके पास पावर्स हैं लेकिन प्रैक्टिस में उसकी पावर्स कोई और एक्सरसाइज कर रहा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऊपर मैंने सिर्फ प्रेसिडेंशियल लिखा है, ये पूरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेस कम है। ठीक। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाए तो वहां पर कोई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, प्रेसिडेंट बजाते खुद मौजूद है और उनके ऊपर कोई मोनार्क नहीं। अमेरिका में आप देख लें, कोई बादशाह आपको नजर आता है, क्वीन नजर आती है, तो वहां पे कोई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है। जो वहां का प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अमेरिका में, वही चीफ एग्जीक्यूटिव है, इट मींस नो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नजर आता है। ब्रिटेन की एग्जाम्पल लें तो क्वीन है, और पाकिस्तान इंडिया की एग्जाम्पल लें तो प्रेसिडेंट है, नॉमिनल है, बराए नाम, थ्योरी में पावर्स हैं लेकिन एक्सरसाइज कोई और कर रहा है। अब वो कोई और कौन है जो एक्सरसाइज कर रहा है, सेकंड पे देखें, रियल या इसे चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया अमेरिका की एग्जाम्पल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट के पास जो थ्योरी में पावर्स हैं उनको असल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए रियल और चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। थर्ड पे आता है हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव, ये ब्रिटेन की बात हम कर रहे हैं, मोनार्क की, जैसे ब्रिटेन में क्वीन है। ठीक। अब ये क्वीन फोर्थ हो जाएगी तो इसी के फैमिली मेंबर्स में से कोई और आके मोनार्क बनेगा। ठीक। तो हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव होगा वो नॉमिनल ही, होगा वो नॉमिनल ही, बराए नाम उसके पास पावर्स होंगी, असल में ब्रिटेन में पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा, प्राइम मिनिस्टर, होगा नॉमिनल ही, लेकिन इसे एक टर्म यह भी कहा जाता है हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। ठीक। फोर्थ पे आता है, अच्छा ये लोग ब्रिटेन वाले इसको खत्म क्यों नहीं करते, ये इनका सिंबल है कि ब्रिटेन पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की में रह चुका है, ये एज अ सिंबल इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ये जो क्वीन को इन्होंने बिठाया हुआ है, हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है। ठीक। तो ये रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है, इसी तरह जो ब्रिटेन का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसमें जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक, उसके अंदर भी सारे ये हेरिडेटरी लॉर्ड्स बैठते हैं, तो ये एक रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है। ठीक। अब फोर्थ पे आता है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, एक हेरिडेटरी था ब्रिटेन में जैसे क्वीन है मोनार्क, एक आते हैं इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव जिनको लोग इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल वोट करते हैं, समझे। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पाकिस्तान इंडिया की आप एग्जांपल ले लें,
यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इलेक्टेड एग्जेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जाहिर बात है उसकी जो भी पार्टी है उसको हम वोट करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है प्राइम मिनिस्टर को भी तो वोट किया जाता है, और अगर उनकी पार्टी जीत जाती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कोई बंदा, तो फिर पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री सेटअप है या इंडिया का उसमें तो यही बात है कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल एग्जेक्टिव होगा, असल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। तो जब प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव बनता है बन जाता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्टेड एग्जेक्टिव, लोगों के वोट से आया हकूमत में। प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इसको भी हम इलेक्टेड एग्जेक्टिव की कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखा हुआ है कि नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट के अंदर बकायदा वोटिंग होती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं पार्लियामेंट में फिर वो वोटिंग करके किसी भी एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट भी तो इलेक्शन के थ्रू आया, ठीक, तो इसलिए हम उसे भी इलेक्टेड एग्जेक्टिव की कैटेगरी में लाते हैं। मोनार्क को हम इलेक्टेड एग्जेक्टिव की कैटेगरी में नहीं ला सकते, क्योंकि आज तक आपने ना सुना है और ना सुनोगे कि क्वीन को वोट कर रहे हैं, वो हेरिडेटरी एग्जेक्टिव की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई, अब आगे आए। एग्जेक्टिव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान इंडिया की बात करो, यहां पे जो एग्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को अपने हर पॉलिसी के, अपने हर एक्शन के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। जो जितने भी हमारे ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक, ये जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इनको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर और ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, क्योंकि लीडरशिप इनके हाथ में होती है। तो ये तो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमने वोट किया था, मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सारे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं, और लेजिस्लेचर से उठ के इन्होंने अपनी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव एक कैटेगरी बनाई, तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। वजह यही है कि जितने भी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स, इनको पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कहा जाता है, ये सारे के सारे लेजिस्लेचर से जाते हैं एग्जेक्टिव की ब्रांच में। समझ आ रही है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह नहीं है, वो किस तरह है वो अभी देखते हैं। ये समझ आया? पार्लियामेंट में आप अपने एग्जेक्टिव्स भेजते हो ना, आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पार्लियामेंट में जाता है ना, पहले उसको सीटें मिलती हैं, जीतता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपनी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो उसकी कैटेगरी है उसको एस्टेब्लिश करता है, खुद चीफ एग्जेक्टिव बन जाता है और कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो उनकी की मिनिस्टर्स हैं उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाता है। तो ये सारे मेंबर्स तो इलेक्टेड हैं, लेजिस्लेचर से उठ के एग्जेक्टिव में गए हैं, बाकी जो ये डिपार्टमेंट्स हैं वो तो मौजूद हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये हो जाएगा कि एजुकेशन का जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन का मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, इनकम टैक्स में फिर आ जाओ, फिर हेल्थ में आ जाओ, जो इनके ऊपर ऊपर के मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट तो वही रहेंगे ना। समझ आई? तो जब लेजिस्लेचर से मेंबर एग्जेक्टिव में जा रहे हैं तो जाहिर बात है फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं पार्लियामेंट को, ठीक, जो भी एक्शन वो एज एन एग्जेक्टिव जो भी एक्शन लेंगे रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट को, जवाब देना है उन्होंने कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, ठीक। अगर कोई लॉ को इन्फोर्स नहीं कर रहे, लेजिस्लेशन हुई है, लॉ बन गया, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स आगे चल के सुस्त हो गए, इन्फोर्स नहीं कर रहे, तो पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन करेगी कि क्यों नहीं किया इन्फोर्स, ठीक। अब आगे आए,
एग्जेक्टिव इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जेक्टिव टू लेजिस्लेचर, इधर एग्जेक्टिव नहीं आता, ठीक है। जो एग्जेक्टिव है चले, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई लेकिन समझ तो आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने। एग्जेक्टिव इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर अलग हिस्सा है, एग्जेक्टिव अलग हिस्सा है। देखिए दोनों को मैंने अलग ब्लॉक बनाया हुआ है। लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पॉपुलर वोट के थ्रू, लेजिस्लेचर के मेंबर। एग्जेक्टिव के अंदर सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट है उसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अमेरिका में आपने देखा है वोटिंग का सिस्टम, लेजिस्लेचर के मेंबर्स अलग इलेक्ट होते हैं और एग्जेक्टिव में सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव को, प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट बनाता है जिसमें वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है सेक्रेटरीज को, और ये सेक्रेटरीज इलेक्टेड बंदे नहीं है। तो अब प्रेसिडेंट और कैबिनेट ये दोनों मिलके एग्जेक्टिव की लीडरशिप अपने हाथ में लेते हैं, और लीडर कौन होता है, चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यहां पे एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर से एक भी बंदा एग्जेक्टिव में नहीं है गया, ठीक। प्रेसिडेंट तो खुद अलग से खड़ा हुआ था इलेक्शन में, उसको तो अलग से लोगों ने वोट किया है, लेजिस्लेचर से उठ के नहीं आया। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटर लेजिस्लेचर से उठ के एग्जेक्टिव में बंदे जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। यहां पे तो इस तरह नहीं है, लेजिस्लेचर के अपने अलग से बंदे हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, एग्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो भी डायरेक्टली, लेजिस्लेचर के साथ मिक्स करके नहीं, डायरेक्टली उसको लोग इलेक्ट करते हैं। प्लस जो प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरीज बनाता है, अपनी कैबिनेट बनाता है, वो भी तो लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं है, ना ही वो इलेक्टेड हैं। आप समझे, मेंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर आर सेपरेट, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर में से कोई भी बंदा एग्जेक्टिव में नहीं है गया, जिसकी वजह से एग्जेक्टिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, समझ आई। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के ऊपर चेक्स रखती है, इसी तरह एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर के ऊपर चेक्स रखता है। प्राइम जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसने कोई ट्रीटी साइन कर दी, कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया, लेजिस्लेचर को वो एग्रीमेंट पसंद नहीं आया है या उन्हें लगा कि ये अवाम के हक में नहीं है, तो वो उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट ने अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर किसी बंदे को अपॉइंट किया है, लेजिस्लेचर उस बंदे को निकाल सकते हैं, ठीक। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को, जिस तरह यहां पर है, ठीक। अब आए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। जाहिर बात है सबसे पहला फंक्शन होगा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जो लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है, उन लॉज को इन्फोर्स करना है। अब वो एजुकेशन से रिलेटेड लॉज हैं, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं। आपको मैंने बताया कि एग्जेक्टिव में ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, फिर इन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हर डिपार्टमेंट का हेड रिस्पॉन्सिबल है कि अपने डिपार्टमेंट में उस लॉ को इंप्लीमेंट करना है, ठीक। इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, अब इसमें आप देख लो पुलिस है, मिलिट्री भी है, सब कुछ है, तो इनका काम यह भी है कि पीस को इंश्योर करना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना विद इन अ कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम रखना। इसीलिए कहते हैं कि एवरी स्टेट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव फॉर इंटरनल पीस ऑफ अ स्टेट एंड एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी।
थर्ड पॉइंट, थर्ड फंक्शन, सुपरविजन ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये भी एग्जेक्टिव का काम है। एग्रीमेंट्स करते हैं, आपने देखा नहीं आपके अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जाता है दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से मिलने, आपके कंट्री का प्रेसिडेंट उठ के जाता है दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलने, किस लिए? एग्रीमेंट्स के लिए, ठीक, रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। और जाहिर बात है आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, समझे? तो एग्रीमेंट्स भी इन्हीं के हाथ में है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, ये प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से मशवरा करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका का प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज मिलके एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक। आगे देखें, अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन, अब उसके अलावा भी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स ये एग्जेक्टिव के बंदे करते हैं। आर्मी चीफ, आर्मी चीफ उसका टेन्योर क्या हो, उसको हमने मजीद एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? आर्मी चीफ को अपॉइंट कौन करता है? आपका एग्जेक्टिव करता है, ठीक। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको एग्जेक्टिव अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, ठीक। डिफेंस, वॉर एंड पीस, डिफेंस के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये एग्जेक्टिव फैसला लेते हैं। वॉर लड़ना है या नहीं लड़ना, ठीक। पीस, अगर हालात खराब हो रहे हैं तो आ जाओ भाई पीस कायम कर देते हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक। ये सारे फैसले एग्जेक्टिव लेता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी सारी मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स हैं, किस तरह के रिलेशन रखना है, कोई फ्यूचर में कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम है किसी कंट्री के साथ आप करना चाह रहे हो तो वो सारे फैसले एग्जेक्टिव ब्रांच लेती है। बिल्स फॉर लेजिस्लेशन आर इंट्रोड्यूस्ड एंड पायलटेड बाय देम इन लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर के अंदर एग्जेक्टिव का एक ये फंक्शन भी है कि वो बिल्स को लाता है। अब वो बिल्स टैक्स से रिलेटेड हो सकते हैं कि ले आता है कि भाई हमें कुछ लॉज बनाने हैं टैक्स से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लॉज बनाने हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच बिल लाती है लेजिस्लेचर के अंदर, फिर उसको वो भी करती है, क्या नाम है, प्रेजेंट भी करती है कि क्यों मैं चाह रहा हूं कि ये लॉ लाऊं, क्या इसके फ्यूचर में हमें फायदे हैं, फिर उसके ऊपर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट डिबेट करती है और अगर उन्हें ठीक लगता है तो पास करते हैं, अपर हाउस जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो साइन कर देता है, ठीक। तो इनका एक ये काम भी है कि ये बिल्स लाती है लेजिस्लेशन के लिए, ठीक। फाइनेंशियल फंक्शन है इसका एग्जेक्टिव का कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर बजट। आपका प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स ये क्या हैं? एग्जेक्टिव हैं, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इनको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने बजट बनाना है अगले साल के लिए जो भी बजट है, ठीक। फिर ग्रांट ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, ये भी एग्जेक्टिव देते हैं। आपके साइंस लिटरेचर में नामवर शख्सियात हैं, उन्होंने कोई शाहकार कोई ऐसा काम किया है तो फिर उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, ऑनर्स दिए जाते हैं। आर्मी के बंदे हों जिन्होंने बहादुरी किया वो किया हो, क्या नाम है, शो की हो वार के दौरान, उनको ऑनर दिया जाता है, ठीक। मेडल्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, टाइटल्स दिए जाते हैं, तो ये भी सारा एग्जेक्टिव का काम है कि बंदे ढूंढो किसने क्या काम किया है। क्लियर? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।